हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद दत्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चाहिए चलते हैं एक नया और बहुत ही बेहतरीन जगह जहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और चार दोस्त निकले हैं घूमने के लिए, तो थोड़ा आप तो ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ में है, बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल है। तो फिलहाल हम लोग अभी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं बाइक पे। तो आगे में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे कि वाटरफॉल, पहाड़ और झील वगैरह। तो आइए जुड़े रहिए और आगे देखिए। तो ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है घोड़ाधार बोल के, और ये आप रायपुर से करीबन मतलब टूवर्ड्स, अगर हम लोग उड़ीसा से जा रहे हैं वाया बरगढ़ होके, तो टूवर्ड्स रायपुर की तरफ कम से कम 60 किलोमीटर जाने के बाद ये जगह आपको मतलब वहाँ पे है। और ये इतना एक्सपोज नहीं हुआ है अभी तक जगह, लेकिन थोड़ा इंटीरियर में है। तो यहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह बहुत ही कम आते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है ये जगह के बारे में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो आप देखिए वीडियो और लास्ट में कमेंट कीजिए अच्छा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये जो पहाड़ है हमें बस इसी के ऊपर चढ़ना है अभी, और इसमें चढ़ने के लिए वैसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये इतना फेमस नहीं है, टूरिस्ट वगैरह इतना ज़्यादा आते नहीं हैं, तो यहाँ पे मतलब चढ़ने के लिए कोई मतलब स्टेयर वगैरह नहीं बना हुआ है अभी तक। तो हमको ऐसे ही चढ़ाई करना पड़ेगी, जैसे कि कुछ लकड़ी के सहारे या फिर हाथों के सहारे हमको चढ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, हम वहाँ पे अपना बाइक पार्क करने वाले हैं, और अभी यहाँ वहीं से ही हम लोग अपना चढ़ाई शुरू करेंगे, जो कि पहाड़ के पूरा ऊपर जाके हमारा ख़त्म होगा। ये माछो अच्छा भी नहीं कहाँ ना साफ पानी है। ये झरने का ही पानी है जो ऊपर से आ रहा है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाटर है, गंदा नहीं है बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग खाना वाना बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं देंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे दोस्तों का, हम लोग का पहला ट्रिप है। बस एक फ्रेंड है जो यहाँ पे लोकल है, तो उसको थोड़ा बहुत पता है, पहले भी आ चुका है, लेकिन हम बाकी दोस्तों के लिए पूरा नई नया जगह है। तो उसने इतना डिटेल्स में नहीं बताया, बस हमको वो लोकेशन का फोटो दिखाया, बस अभी से डिसाइड कर लिया कि वही जाना है, इधर इतना सही जगह है। तो अब देख पा रहे होंगे जो रोड है, जो पाथ है हमारा, वो मतलब बस चढ़ते ऐसे ही, चलो, मतलब पैदल जा जा के लोगों ने आगे खुद से फटने वाली बनाया है है। पाथ। तो बहुत ही मतलब चढ़ान जो होता है पहाड़ का, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक होता है। ऊपर से अभी मतलब टाइम हो रहा है 12-1 बजे, तो धूप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और हम लोग ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करके भी आए हैं धूप में। तो जो भी हो, जंगल में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी देखना है कि वहाँ ऊपर है क्या, जो फोटो में देखा था वैसा ही कुछ है या नहीं, तो वो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं रास्ते के, मतलब एडवेंचरियस रोड है ये, जिन्हें एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो डेफिनेटली ये जगह चांदी 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 जैसी हो। तो फिलहाल मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, और ऐसे जगह जो जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब
जगह के बारे में कोई इतना जानता नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है हम लोग को, सांस फूल रहा है पूरा। चढ़ा कूच ना गड़ा कूच कहीं हम लोग करीबन पहुंच गए हैं यहाँ पे, बस आज थोड़ी ही दूर बाकी है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही बेहतरीन व्यू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ से नीचे से यहाँ तक आने के लिए हमने करीबन 15 से 20 बार मतलब रुकना पड़ा हम लोग को, क्योंकि सांस फूल जा रही थी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट पीक पे अभी पहुँचने वाले हैं और नज़ारा कुछ इस तरह का है। प्रेजेंटिंग वाओ चांगा वाटरफॉल, जैसा देखा था उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा वाटरफॉल है और उतना ही डेंजर भी है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ इसका हाइट कितना ज़्यादा है ग्राउंड पे, कम से कम ये 2-3000 फीट के ऊपर होगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। और पानी जो है वो उधर से पहाड़ से ऊपर से आ रहा है और वो पानी इधर से होके यहाँ पे गिर रहा है, तो हम लोग वहाँ जो दिख रहा है आपको वहाँ से यहाँ पे चढ़ाई करके आए हैं अभी, तो सांस फूल चुकी है हम लोग की। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो मज़ा, जो खुशी लग रहा है वो उसके सामने वो तकलीफ कुछ भी नहीं है। पैरों पे सब ऑलमोस्ट सबका थोड़ा वो चोट लग गया है, मैं तो अपना स्लीपर पहन के आया था। মাছ ধরমি এনো মাছ আছে बेहतरीन जगह है ये, मतलब आप यहाँ पे मच्छी पकड़ सकते हैं, मतलब वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा छोटा दिख रहा हो, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है मछली, मतलब आप इजीली इसको पका के खा भी सकते हैं वहाँ पे। और लेकिन पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन पकड़ नहीं पाया एक, तो आप वहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं और वाटरफॉल का जो पानी है उसमें आराम से बहता पानी में बैठ के आप मज़े भी ले सकते हैं और सामने आपका जो व्यू है उसके साथ नज़ारा आपको फ्री मिलता है और पीछे में जंगल है,
आप वहाँ पे भी जाके मंगल कर सकते हैं। कौन कोई कुछ चाहते हैं अपने जगह पर? मनीष जितने भी सिविलाइज था वो एरिया से मंगला होगा बात दियो। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा आप लोग को ना पकाऊं, मैं इतना कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया दे चुका हूं कैसा जगह है, कहां पे है। और वीडियो अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूं और यूट्यूब मेरे लिए नया है। तो थोड़ा भी आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर कोई जगह अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ और आपका चैनल का अभी मुझे आप लोग का सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों का रिव्यू जो है अच्छा मिलेगा इस वीडियो में, और 100 सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। तो आइए और नज़ारे का मज़ा लीजिए, और कुछ भी डिटेल्स सबको पूछना हो तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल्स आपको नीचे दे दूँगा कि जगह कहाँ पे है और कैसे जा सकते हैं यहाँ पे। तो आइए मज़े कीजिए। जैसे कि सामने एक गेंडा पड़ा हुआ है अभी, इसको आप पानी का गेंडा भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आता है तो उसका हालत ऐसा ही हो जाता है, बीमारी लग जाता है गेंडे वाला। तो आप भी आइए और मज़े कीजिए। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय द वीडियो। बाय बाय। चल जी। कैसा लागू छे तुमको ये जगह? बहुत बढ़िया। धरापृष्ठ रे आसिकी प्रतिष्ठित हो ভাগ্যবান মনে করছো। এ কুম্ভীর রে, এ কুম্ভীরটা।